हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ होममेड बाउंटी चॉकलेट रेसिपी। ये बाउंटी चॉकलेट आप जब भी बनाएंगे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएगा, क्योंकि ये बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। और इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं लगभग हमारे घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए, पर मैंने चॉकलेट्स लिए हैं और इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। और ये वेट में 250 ग्राम है। और डेसिकेटेड कोकोनट मैंने 1.5 कप लिया है। यहाँ पर 6 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क, 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस, 1/2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल। अब मैं अपने चॉकलेट को मेल्ट कर लूँगी। 1 मिनट के लिए अवन में डाल देंगे इसे। यहाँ मैंने एक बोल लिया। अब बोल में मैं अपने इंग्रेडिएंट को ऐड कर रही हूँ। कोकोनट मैंने ऐड किया। अब कंडेंस मिल्क डालेंगे हम लोग। अब डालेंगे वनीला एसेंस और तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको वनीला एसेंस का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतने मिक्सचर में आप 8 से 10 बाउंटीज रेडी कर सकते हैं। देख सकते हैं ये परफेक्ट मिक्सचर है और बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब मैं इसे साइड कर लूँगी। अब मैं अपने हाथों में ऑयल को ग्रीस करूंगी ताकि मेरे बार्स अच्छी तरीके से बन के निकले और मैस ना हो। मैंने अपने हाथों पर ऑयल लगा लिया है। अब मैं अपने बार्स को रेडी करूंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पोशन लिया है अपने हाथ में और इस तरीके से प्रेस करते हुए मैं इसे शेप दूंगी। अपने फिंगर के हेल्प से मैं यहाँ पर शेप दे रही हूँ और ये आप देख सकते हैं। अब मैं फिंगर से इसे टैप कर रही हूँ और साइड से राउंड शेप दे रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको टैप करते हुए बार्स को अपने रेडी कर लेना है। आप चाहें तो स्केल का भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाथ से रेडी किए हैं, तो इसी तरीके से मैं अपने बार्स को सारे रेडी कर लूँगी। यहाँ मैंने पार्चमेंट पेपर प्लेट में लगा लिया है और अब मैं अपने बार्स को रेडी करके इसमें ही रख रही हूँ ताकि ये चिपके नहीं। इसी तरीके से आपको सारे बार्स रेडी कर लेने हैं। यहाँ मैंने सारे बार्स अपने रेडी कर लिए हैं। अब मैं मेल्टेड चॉकलेट लूँगी। हमारी चॉकलेट बिल्कुल परफेक्ट मेल्ट होनी चाहिए ताकि हमारे बार्स पे ये अच्छे से कोट हो सके। इस तरीके से आपको फोक के हेल्प से इन्हें कोट कर लेना है अच्छे से। और इसे अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरीके से आपको सारे बार्स रेडी कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर सारी बाउंटीज रेडी कर ली है और मैं अब इस पे बाउंटीज मार्क दे रही हूँ स्पैचुला के हेल्प से। अब हम इसे फ्रीज़र में डाल देंगे 10 मिनट्स के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ 10 मिनट्स हो चुके हैं, हमारी बाउंटीज रेडी है। अब मैं इसे साइड से क्लीन कर लूँगी इसी तरीके से ताकि हमारी बाउंटीज बिल्कुल परफेक्टली शेप में आ जाए। अब इसे सर्व कर लेंगे हम लोग। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान था। और ये हमारी होममेड बाउंटीज रेडी है। और आप इसे सेकेंड डे खाएंगे तो बिल्कुल बाहर वाला बाउंटी का आपको फ्लेवर मिलेगा। और जब भी आप इसे बनाएं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि ये बचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।